एनजीटी के आदेश पर झांसी विकास प्राधिकरण द्वारा झांसी के डरियापुरा पिछोरा आदि क्षेत्रों में एक नोटिस जारी किया गया था, जिसमें करीब 10,000 मकान को ध्वस्तीकरण करने की बात कही गई थी। मकानों को तोड़े जाने पर लोगों में रोष देखा गया। वहीं पिछले करीब 16 दिनों से ये लोग झांसी के गांधी उद्यान में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इतना ही नहीं, इनमें से कई लोगों ने भूख हड़ताल भी की है। वहीं करीब 3,000 लोग झांसी के गांधी उद्यान से हाथों में मोमबत्ती लेकर प्रदर्शन करते हुए जेडीए कार्यालय पहुंचे, जहां मकान के तोड़े जाने के नोटिस को वापस लिए जाने की मांग की है। इस पूरे मामले में पंजाब केसरी के संवाददाता शहजाद खान ने प्रदर्शन कर रहे लोगों से और कांग्रेस के पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य से खास बात की है। रिपोर्ट में देखिए। देखिए, एनजीटी के डायरेक्शन कर में इनको नोटिस दिया गया है, जो कि इनके मकान वगैरह ग्रीन बेल्ट एरिया बने हुए हैं, उसके कारण में कार्रवाइयाँ चल रही थी। उसी के मद्देनजर इन लोग कैंडल शांतपूर्वक कैंडल मार्च निकाले थे और ज्ञापन वगैरह दिए थे, जो कुछ माध्यम से सही जगह पहुँचा भी दिया गया है। इनके द्वारा शांतिपूर्वक कैंडल मार्च अपने जला के वापस कर लिए गए हैं। किसी लैंड ऑर्डर की किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। झांसी में 10,000 मकान जेडीए द्वारा एक नोटिस जारी किया गया था, जिसमें 10,000 मकान गिराए जाने का नोटिस था। इन मकानों के गिराए जाने को लेकर झांसी के डरियापुरा पिछोर आदि इलाकों के लोगों में अब रोष देखा जा रहा है। इतना ही नहीं, पिछले करीब 16 दिन से ये लोग गांधी उद्यान में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये वही लोग हैं जिनके मकान झांसी में गिराए जाएंगे, और जेडीए ने एक नोटिस जारी किया है, जिसमें 10,000 करीब मकान को एक नोटिस दिया गया है, जो अब कहीं ना कहीं ध्वस्तीकरण के सामने आ रहे हैं। फिलहाल अब हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री कांग्रेस के प्रदीप जैन आदित्य मौजूद हैं। हम इनसे जानते हैं पूरा माजरा क्या है। सर, क्या है पूरा? झांसी महानगर को महायोजना 2031 चाहिए। 3 साल से वो योजना लंबित पड़ी है। आज 50,000 लोगों के ऊपर संकट है, जो बिजली का बिल देते हैं, हाउस टैक्स देते हैं, वाटर टैक्स देते हैं, जिनके यहाँ सड़कें हैं, पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, उनके घरों पर बुलडोजर पहुंच जाता। उस समय तक जेडीए सो रहा था क्या? अब उनकी जिम्मेदारी है महायोजना को तत्काल स्वीकृत कराएं और उसको लागू कराएं। मंत्री, 16-17 दिन हो गए हैं करीब इन लोगों को धरना प्रदर्शन करते हुए, अभी तक कोई निष्कर्ष सामने नहीं आ रहा है, तो क्या लगता है कि निष्कर्ष सामने? देखिए, एक समस्या जिसका निष्कर्ष सरकार चाहे, पहले राम मंदिर का निर्माण था 22 तारीख को, 26 जनवरी थी, अब निष्कर्ष निकलेगा। आज अहिंसात्मक ढंग से एक प्रदर्शन किया, और ये सब भी अपने भाई हैं जेडीए में जो बैठे हैं, लेकिन जो इनकी कार्य पद्धति है वो बहुत कछुआ की गति से है। आज महायोजना गोरखपुर की लागू हो गई, कानपुर की हो गई, लखनऊ की हो गई, झांसी की क्यों नहीं हो रही? तो वो लागू होना चाहिए। तो हमारे साथ कांग्रेस के पूर्व केंद्रीय मंत्री भी शामिल हैं इस पूरे धरना प्रदर्शन में, और इस पूरे जो प्रदर्शन चल रहा है लोगों का, वो कहीं ना कहीं अब निर्णय के रूप में सामने आने वाला है। तो फिलहाल और भी लोग मौजूद हैं जो धरना प्रदर्शन के लोग मौजूद हैं। हम इनसे कुछ महिलाओं से जानते हैं कि आखिर मामला क्या है। भैया, क्या बताएं, जेडीए वालों ने बहुत परेशान कर रखा है, नोटिस पे नोटिस दे रहे। हम लोगों ने इतनी खून पसीने की कमाई से मकान बनाया है, पाई पाई जोड़ कर हमने अपने बच्चों के मुंह से निवाले छीन छीन के मकान बनाया। आज इन्होंने आकर कह दिया कि यह ध्वस्तीकरण हो जाएगा। क्यों भाई, ऐसी बदतमीजी क्यों? हम लोगों के पब्लिक को क्या रहने का अधिकार नहीं है? हमने लाइट का बिल दिया है, हाउ टैक्स दे रहे हैं, जीडीओ वाले इतने परेशान कर रहे हैं हम लोगों को, क्या बता नहीं मकान कैसे लोन काढ़ी 20 साल के रह रहे घर में मजदूर भाई भैया 20 साल से रह रहा है, और बिजली को बिल दे रहा है, कूड़ा कचरा की हाउ टैक्स दे रहा है, और कैसी मुसीबत से बनाए हैं मजदूरी कर कर के 2 रुपया की बच्चन के पेट काटे, वो आज ज्यादा सा के हम लोग रोड पे डले। बताओ, लोगों का अभी भी आप आक्रोश देख रहे हैं कि लोगों का कहना है कि कहीं ना कहीं उनकी खून पसीने की कमाई अब जेडीए द्वारा नष्ट नाबूद कर रही है। फिलहाल अब देखने वाली बात ये होगी आगे कि इस प्रदर्शन के बाद जेडीए क्या कार्रवाई करता है। वीडियो के साथ मोहम्मद शहजाद, पंजाब के श्री झांसी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।